गाइस जो सबसे बड़ा फ्री फायर में अपडेट आता है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलती है। एंड गाइस इस वीडियो में आपको वही चेंजेस दिखाने वाला हूँ, क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ है एंड इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है। सो गाइस वीडियो को लाइक कर लेना एंड गाइस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। सो गाइस नंबर वन पे आता है ये वाला अपडेट। सो गाइस देख सकते हो, मतलब जैसे ही आप किल करोगे तो आपका कुछ किल करने का लोगो चेंज हो जाएगा एंड जो किल करने का डैमेज आता है वो भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ओल्ड वर्जन की तरह आपको देखने को मिलने वाला एंड देख सकते हो पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। और गाइस जो तीसरा अपडेट है वो सामने देख सकते हो एंड गाइस देख सकते हो यहाँ पे तीसरा अपडेट कुछ इस तरह का, जो कि एक लेवल लिख के आ रहा है, मतलब ये स्टोर टाइप का बन चुका है। मतलब यहाँ पे आप टोकन लगा के गन वगैरह खोल सकते हो और ग्लूबल वगैरह बैग वगैरह जो भी लेना हो, मतलब इसे रिफ्रेश करके अगर आपको ये वाला गन वगैरह अच्छा नहीं लगता तो इसे रिफ्रेश करके दूसरा आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके बल्दी आपको टोकन लगने वाले हैं। सो गाइस टोकन से मतलब स्टोर टाइप का ये बन चुका है और ये दो लेवल का, जैसे ही आप खरीद लोगे तो ये दो लेवल का हो जाएगा। एंड गाइस देख सकते हो दो लेवल का हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो शॉटगन वगैरह यहाँ पे अच्छा अच्छा आइटम आपको देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस स्टोर टाइप का बन चुका है जिससे आपको टोकन लगने वाले हैं। सो गाइस काफ़ी अच्छा चेंजेस हुआ है। और गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ चौथा अपडेट जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं वो चौथा अपडेट। सो गाइस ये रहा वो चौथा अपडेट। सो गाइस एडम की तरह एक न्यू कैरेक्टर आने वाला, बिल्कुल एडम की तरह, मतलब उसमें आप स्किल वगैरह जो भी लगाना चाहते हो एडम की तरह, मतलब एडम में नहीं लगा सकते हो लेकिन एडम की तरह एक दूसरा करेक्टर आया है जिसमें आप आलोक स्काइलर वगैरह जो भी लगाना चाहते हो, और इसका एबिलिटी है ईपी देगा, मतलब ये काफ़ी अच्छा एडम होने वाला है। और ये अपना जो नॉर्मल वाला एडम है ये रहा वो, इसमें आप एबिलिटी नहीं लगा सकते हो। और जो न्यू एडम आया है वो ये रहा, ये वाला इस वाले एडम में आप लगा सकते हो। सो गाइस काफ़ी अच्छा चेंजेस हुआ है। एंड और गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नंबर 5 का अपडेट। सो गाइस 5 में अपडेट में आपको देखने को मिलने वाली है SMG गन, जो कि बहुत ही अच्छी डेंजर दिख रही है। एंड गाइस देख सकते हो ये SMG गन है और ये न्यू गन अपने फ्री फायर में ऐड होने वाली है ओ बी अपडेट के बाद। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके गन है और ये SMG इसमें गोली लगने वाली है। सो गाइस अब मैं आपको छठवां भी अपडेट दिखाने वाला हूँ। सो गाइस ये रहा वो छठवां अपडेट। इस अपडेट में आपको मैं आपको लॉबी दिखाने वाला हूँ। एंड गाइस देख सकते हो स्टार्ट करने का जो बटन है पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। और गाइस आपको आईडी का जो लोगो है फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है। और देख सकते हो स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा कैसा स्टार्ट होता है। एंड गाइस अपनी आईडी का देख सकते हो, आईडी का पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, मतलब देख सकते हो ओल्ड वर्जन की तरह यहाँ पे दे दिया है, मतलब कि ओल्ड वर्जन आपको देखने को मिलने वाला है। और जैसे ही लगेगा कि मैं ओल्ड वर्जन खेल रहा हूँ, मतलब कि देख सकते हो यार काफ़ी अच्छा चेंजेस हुआ है। और गाइस देख सकते हो सामने स्टार्ट करने का कुछ इस तरह का है और आपको पूरा चेंज होता हुआ दिखेगा। सो गाइस ये रहा सातवां अपडेट। और गाइस सातवां अपडेट काफ़ी अच्छा होने वाला, मतलब आप कस्टम में पासवर्ड लगा रहता था तो कस्टम में आप घुस नहीं पाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है इस बार आपको अपडेट में यहाँ पे क्लिक ज्वाइन लिखा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे जैसे ही कोई भी कस्टम खाली होगा सीधी आप कस्टम में जाओगे, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे चेंजेस हुआ है। मतलब कि आपको कस्टम खेलना है तो आप क्लिक ज्वाइन पर जैसे ही क्लिक करोगे जैसे ही कोई भी कस्टम खाली होगा सीधे उसके कस्टम में घुस जाओगे। सो गाइस काफ़ी अच्छा अपडेट हुआ है। तो गाइस ये रहा वो लास्ट अपडेट। लास्ट अपडेट में आपको एक गोल गोल आइकन देखने को मिलता था, जैसे ही आप आईडी पर क्लिक करते तो अंदर फ्री फायर के अंदर जाते थे तो गोल गोल आइकन आपको लोडिंग की तरह मतलब दिखता था, लेकिन इस बार उसको गायब कर दिया गया। एंड गाइस इस बार आपको ऐप दिखेगा, मतलब ऐप लिखा दिखेगा। सो गाइस काफ़ी अच्छा चेंजेस हुआ है इस बार, मतलब जल्दी से लोडिंग होगा। तो गाइस हम वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। एंड गाइस आपको ये वाला सारी अपडेट अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार हम ऐसी अपडेट डालते रहते हैं।